किरिया खा के कह ईमानदारी से, किरिया खा के कह ईमानदारी से, काम करब कि जीतब चटुकारी से, काम करब कि जीतब चटुकारी से। देखिए इन दोनों जो लोगों का पहले आप चेहरा पहचानने की कोशिश करिए, आपको दोनों जन का चेहरा एक जैसा ही दिखेगा क्योंकि ये जुड़वा ब्रदर्स हैं और इसी नाम से ये अनपरा में फेमस भी हैं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा दो नजारा क्या होगा, देश हमारा हमारा देश हमारा देश हमारा, देखो देखो इससे प्यारा क्या होगा। मोदी जी के काम से पूरा देश प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है और काम से लोग खुश हैं। आज हर घर नल जल योजना चल रही है, सारी जगह स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, पूरा अनपड़ा मार्केट पूरा देश जगमग है, रेलवे का काम चल रहा है, रोडवेज का योगी सरकार में भी काम चल रहा है, भाजपा की सरकार पूरा एकदम पूरे लोगों को प्रभावित करके रखा है। बतौर हम लोग चाहते हैं कि फिर से भाजपा सरकार आए। ये बताइए कि मोदी के काम काज से खुश हैं आप? मोदी काम काज क्या हम लोग को दिए हैं कि खुश रहेंगे, मतलब नाराजगी है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी करके हम क्या करेंगे, ना नाराज है ना खुश है। मोदी जी इतने स्ट्रांग पोजीशन में काम कर चुके हैं कि जनता के अगर मोदी जी घूमेंगे भी नहीं तब भी वोट देगी। हम मोदी जी को हराना विपक्ष के बस का नहीं है, विपक्ष बहुत दूर चला गया। और यूपी की बात है, योगी जी ने जितना क्राइम पर काम कर दिया है वो जनता पूर्ण रूप से योगी जी से खुश है। हमारे क्षेत्र में जितना विकास का कार्य हुआ है, गली गली में रोड, गली गली में लाइट, हम लोग अंधेरे में पहले रहते थे, अंधेरा था, आप 7 बजे के बाद हमारे क्षेत्र में जा नहीं सकते थे, रेलवे स्टेशन रोड पर मेरा घर था, समझे कि नहीं। अभी रात का कितना टाइम लगभग हो रहा होगा, 8 के आसपास हो रहा होगा, घड़ी है 8:30, 8:30 बज रहा है, ठीक है ना। आप वहाँ जाएंगे ना, एक सुई भी गिराएंगे तो आपको दिखलाई पड़ जाएगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विकास है, रोड का देखिए, मतलब गली गली में RCC रोड है। और हम ये तो कहेंगे मोदी जी के आने से हमारा देश जितना मजबूत हुआ है वो किसी भी सरकार में नहीं था। रोड नाली पानी यही चाहिए, लेकिन एक चीज़ की यहाँ समस्या है सबसे बड़ा कि हॉस्पिटल की, यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी होने के नाते मतलब कि कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए कोई इलाज के लिए मतलब कोई यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, यही बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, ऐसी स्थिति में कोई अगर बीमारी है या फिर दुर्घटना है तो ऐसी स्थिति में आप लोग कहाँ जाते हैं? या तो नेहरू जाएंगे या तो बनारस जाना पड़ेगा। और दोनों जगह कितना दूर है यहाँ से? नेहरू है आपका 25-26 किलोमीटर और बनारस 200 किलोमीटर दूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा। और मेरे साथ ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। और इस वक्त हम बहुउद्देशीय परियोजना की उस धरा पर खड़े हैं जिसे नेहरू जी ने आधुनिक भारत का तीर्थस्थान कहा था। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र में और ये सोनभद्र जिले का ओबरा विधानसभा क्षेत्र है। इसे ऊर्जा नगरी कह लीजिए या उद्योग नगरी, भरपूर जंगलों से युक्त जनजातियों का क्षेत्र कह लीजिए या पौराणिक मान्यताओं से समृद्ध क्षेत्र कह लीजिए, गर्व करने वाली ये सारी उपलब्धियां इसी के हिस्से हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। मेरे बगल से ये जो हाईवे गुजरी है वो देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के लिए इतनी बदनाम है कि इसे किलर रोड कहा जाने लगा। यहाँ की सांसों में कोयला व धूल है और पानी में आर्सेनिक, तो करिएगा क्या? जनप्रतिनिधियों से सरकार की प्रशंसा सुनकर इतराइएगा या यहाँ की स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण आदि देखकर चिंता में पड़ जाइएगा? क्योंकि कोई बीमारी हो या दुर्घटना, यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित वाराणसी से पहले आपका इलाज संभव नहीं है। और बात अगर उच्च शिक्षा की करें तो यहां से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है सरकारी डिग्री कॉलेज। हो
होड़ अब इसी बात की है कि इस क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा हैं, जो उपलब्धियां हैं वो ज़्यादा हैं, या फिर समस्याएं ज़्यादा हैं। और इन्हीं बातों को समझने के लिए आज हम ओबरा विधानसभा क्षेत्र की जनता से जुड़ने का प्रयास करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो कार्यकाल के समय में, यानी कि पिछले करीब 10 सालों के बीच जो विकास की धारा दिल्ली से बही है वो सोनभद्र में और ख़ास करके ओबरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी बही है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 2024 को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के बीच क्या सुगबुगाहट है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सनातन टाइम्स। क्या नाम है भैया आपका? पंकज पटेल। पंकज जी, ये बताइए, यहाँ पर आपकी शॉप है और 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो चुनाव को लेकर के क्षेत्र में क्या माहौल है? 10 लोग आपकी दुकान पर बैठते होंगे, आपको क्या आभास हो रहा है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है? क्या बीजेपी फिर से आएगी या कोई और? जी, बीजेपी फिर से आएगी। बीजेपी के मोदी जी के काम से पूरा देश प्रभावित है। अच्छा। पूरा देश प्रभावित है और काम से लोग खुश हैं। आज हर घर नल जल योजना चल रही है, सारी जगह स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, पूरा अनपढ़ा मार्केट पूरा देश जगमग है। रेलवे का काम चल रहा है, रोडवेज का योगी सरकार में वो भी काम चल रहा है, भाजपा की सरकार पूरा एकदम पूरे लोगों को प्रभावित करके रखा है। बतौर हम लोग चाहते हैं कि फिर से भाजपा सरकार आए। अच्छा, जैसे बीजेपी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार जो है उसका फ़ायदा जनता को मिल रहा है, प्रदेश में योगी जी, देश में मोदी जी, तो उसका दोनों का फ़ायदा सच में है? जी है, है। अच्छा, कोई विपक्षी टक्कर दे सकता है क्या? जी नहीं, कोई नेता कोई नहीं था। अच्छा, कोई नेता टक्कर नहीं दे सकता। चलिए आइए दादा से बात करते हैं। दादा नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। चाय पी रहे हैं? चाय समोसा बना रहे थे क्या भैया? हाँ, समोसा बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि राजनीति में क्या इस समय माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? वो बीजेपी जीतेगा। ऐसा क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर रही है क्या? अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम करी बताइए? सब चीज़ दे रहे हैं, बिजली बत्ती लाइन पानी रोड। क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बताइए अपना। अख्तर अली। ये बताइए सरकार अच्छा काम करेगी नहीं, बस इतना बताइए, बीजेपी अच्छा काम करेगी? अच्छा कर रही है। अच्छा, कुछ अच्छे काम आप बता सकते हैं बीजेपी के? बस यही सब, लाइट फाइट पानी उनी सब सही चल रहा है। राशन की सुविधा मिल रही है कि नहीं? राशन की भी सुविधा। कितना राशन मिल रहा है? महीना में एक बार हो गया अभी। क्या किलो मिलता है? अब जितना आदमी है 5 किलो मिलता है। अच्छा, ये बताइए अनपरा में आप कितने दिनों से रह रहे हैं? 15 साल से। तो 15 साल जब आप आए थे और आज की अनपरा में कुछ अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है, अभी बहुत उन्नति हुआ है। अच्छा। यहाँ पे समस्या लोगों की है, चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर शुद्ध पानी या शुद्ध हवा की लोगों की शिकायत रहती कि नहीं मिल पाती, ऐसा कुछ है क्या? है, पानी में आयरन फायरन सब है तो उसको सरकार क्या करेगी? नल जल योजना के तहत लोगों को जल मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? अख्तर अली। अच्छा, ये बताइए कि मोदी के कामकाज से खुश हैं आप? मोदी कामकाज क्या हम लोग को दिए हैं कि खुश रहेंगे? मतलब नाराजगी है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी करके हम क्या करेंगे? ना नाराज है ना खुश है। तो क्या लग रहा है कि 2024 में फिर कौन सरकार बनाएगा? अब ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे कौन बनाएगा नहीं। चाचा आप बताइए, क्या नाम है आपका? शिव मंदिर कनौजिया। आपके हिसाब से मोदी जी का काम काज कैसा है? मोदी के काम से खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश हैं। विकास की धारा जो दिल्ली से बही है वो कितना यहाँ पहुँची है? जितना पहुँचना चाहिए उतना पहुँचा है, पहुँचने के लिए तो पहुँच रहा है, तभी तो विकास हो रहा है। अनपरा में विकास हो रहा है जैसे होना चाहिए? बिल्कुल हुआ है, रोड नाली पानी यही चाहिए, लेकिन एक चीज़ की यहाँ समस्या है सबसे बड़ा, कि हॉस्पिटल की। यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी होने के नाते, मतलब कि कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए कोई इलाज के लिए, मतलब कोई यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, यही बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, ऐसी स्थिति में कोई अगर बीमारी है या फिर दुर्घटना है तो ऐसी स्थिति में आप लोग कहाँ जाते हैं? या तो नेहरू जाएंगे या तो बनारस जाना पड़ेगा। और दोनों जगह कितना दूर है यहाँ से? नेहरू है आपका 25-26 किलोमीटर और बनारस 200 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो वो 25-26 जो नेहरू वाला हॉस्पिटल आप बता रहे हैं वहाँ प्रॉपर इलाज हो जाता है या आपको बनारस ही भागना पड़ता है? यहाँ पे सीरियस केस नहीं रखते हैं, तुरंत 2-4 घंटे रख करके तत्काल यहाँ से अपने जगह से हटा देते हैं। आकस्मिक चिकित्सा अगर चाहिए तो फिर आपको बनारस ही जाना पड़ेगा जो कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर। सबसे बड़ी समस्या हमारे इस बेल्ट में, सबसे बड़ी समस्या है ये चीज़ के लिए, न तो अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ कहीं पर, न तो कोई हॉस्पिटल है।
अच्छा, इस क्षेत्र के सांसद कौन है, उनका नाम जानते हैं क्या? पकौड़ी लाल कोर है, अपना दल से। अपना दल से हैं। उनसे कभी आपने उनको देखा है कि कभी बाजार में वो जनता का हालचाल लेने के लिए पहुंचे हो? आते नहीं आते वो? इलेक्शन के बाद तो झलक भी नहीं देखे हैं, तो दिखाई क्या देंगे, चेहरा क्या देखेगा आदमी। संजू एक आध बार घूमने फिरने आ गए हैं कोई कार्यक्रम के हिसाब में, मतलब ऐसे जनता के प्रति कोई सांसद विधायक जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं है कि क्या यहाँ की जनता किस पर्पज में मर रही है, जी रही है, क्या है यहाँ की समस्या, उसके बारे में कोई ये नहीं है। तो 2024 में जब चुनाव का वक्त आएगा तो वोट तो मांगने जरूर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इसको रखा जाएगा विचार इस पर। क्या क्या प्रतिक्रिया होगी जनता की? जनता वही वादे वादे के अलावा इसके बाद क्या होगा, जनता मतलब अपने हिसाब से चयन करेगी। तो 24 में कौन प्रधानमंत्री बने, क्या चाहते हैं? अभी तो मोदी का ही नंबर है, तो क्या कहेंगे? कोई विपक्ष में नेता जो उनको टक्कर दे सके? कोई दिखाई नहीं। कुछ और लोग आइए, युवा साथी हमारे बैठे हुए हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो आने वाला है, भैया आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाला है? आपका नाम क्या है? उपेंद्र कुमार सोनी। आपको क्या लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन प्रधानमंत्री फिर बनेगा? मोदी जी के काम से खुश हैं? भैया मोदी जी के काम से तो सब संतुष्ट है ये हैं, ठीक है। कुछ आदमी ऐसे हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, तो किसकी किसको लेकर चला जाए? आप अपनी बात बताइए। मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं। तो अच्छा, विकास यहाँ अनपरा में पहुँच रहा है, जो विकास की धारा दिल्ली से बह रही है वो यहाँ तक पहुँच पा रही है, सबका साथ सबका विकास जैसा कि नारा है बीजेपी का? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जगह पर पहुँच रहा है, कुछ कुछ जगह पर नहीं पहुँच रहा है, हम इस पर संबंध नहीं है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा है? हो रहा है, बाकी कुछ जगह पे ऐसे हुए कि नहीं हो पा रहा है, बहुत कुछ कारण है भैया। क्या क्या बताएं? अनपरा में किस तरह का बदलाव आया है मोदी के दो कार्यकाल में? देखिए, ये देखिए, अब जल निगम के मामले में नंबर वन काम चल रहा है, हर चीज़ के मामले में उनका अच्छा चल रहा है। कुछ बेरोजगार हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, हम लोग तो बेरोजगार ही चल रहे हैं भैया, कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको क्या कहा जाएगा? हम अपने काम से भाई अपने काम कर्म जो है उसको कर ही रहा है। तो 24 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और? देखिए, अब तो हमारा तो अब क्या कहें, अब इसके बारे में तो मुझे ना ये नहीं है। अनपरा में क्या माहौल है, लोग किस पार्टी के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं? अब ये क्या पार्टी के पक्ष में है, जो आदमी जिस पे जब जहाँ जिसका हवा है उसी पे जब जाएगा। अब अपने से कैसे बोलते हैं। भैया आपका क्या नाम है? प्रकाश चौरसिया हमारा नाम है। प्रकाश जी क्या करते हैं आप, पहले तो ये बताइए। हम बेरोजगार हैं, छोटा मोटा अपना बिजनेस चलता है। तो बेरोजगार कहाँ हैं जब बिजनेस चल रहा है, बताइए तब। देखिए क्या है कि बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं है, कंपटीशन का इतना ज़माना आ गया है और कंपटीशन में आम आदमी बहुत मार खा जा रहा है, ये चीज़ है। तो कंपटीशन में फिर क्वालिटी और बेहतर रखिए, जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ेंगे। क्वालिटी क्वांटिटी सारे लोग रख रहे हैं। क्या है कि अब मान लीजिए पॉपुलेशन यहाँ पर कम हो रही है, दुकानें ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहाँ से आ पाएंगे? मैंने दुकानें ज़्यादा हो रही, इसका मतलब कि बेरोजगारी बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दुकानदार क्या है कि हर जगह लोग चाह रहे हैं भाई नौकरी नहीं मिले तो दुकान खोलें। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? हमने डिप्लोमा किया है। अच्छा, हाँ, मैकेनिकल से। अच्छा, आपके नज़रिए से क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और आएगा? देखिए, हम लोग अब इस समय तो केजरीवाल को लाइक कर रहे हैं और केजरीवाल व्यक्ति देश के लिए और देश के संविधान के ऊपर चल रहे हैं ये, और उनका जो पॉलिटिक्स है हमें पसंद है और हम लोग केजरीवाल को लाइक करने वाले हैं। अच्छा, तो मतलब दिल्ली का जो मॉडल है वो यूपी में लोग पसंद कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।